ये हूँ मैं और ये है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिए, ये बर्थडे बॉय है और ये हमारे जिंदगी के वो यादगार पल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करें। एक मिनट, बारबेक्यू इतनी आसानी से थोड़ी ना बनता है। इसके लिए आपको चाहिए शेगड़ी, आपको चाहिए कोयला, चिकन, पनीर एंड व्हाट नॉट। कुछ खुराफाती दोस्त, दृढ़ निश्चय, खूब सारी मेहनत और एक ब्यूटीफुल व्यू। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा बारबेक्यू प्लान फेल होते होते रह गया। क्यों? कोयला होता है दो प्रकार का, एक होता है पत्थर वाला, एक होता है लकड़े वाला। तो ये पत्थर वाला कोयला जो होता है ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है और ये लकड़े वाला फटाफट आग पकड़ता है। एंड गेस व्हाट, हमने लाया था पत्थर वाला कोयला और फिर जो हालत हुई है। हमने पूरे 2 घंटों तक उस कोयले को जलाने की कोशिश की, कोशिश जद्दोजहद की, पर वो कोयला नहीं जला। फिर हमारे MBA सागर ने कहा, भाइयों और उनकी बहनों, मुझे नहीं लगता ये पत्थर वाला कोयला आज जलने वाला है, तो हमें चुपचाप जाके लकड़ी वाला कोयला लाना चाहिए, वरना मूड का हैप्पी बर्थडे होना निश्चित है। हमने भी कहा, भैया बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और इस प्रकार इंटरव्यू हुई लकड़े वाले कोयले की। और फिर समा कुछ ऐसा बना कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों पर आके तो देखो। नहीं समझे? अब समझोगे। कैसा लग रहा है इतना मेहनत करने के बाद जल गया? भैया बहुत मेहनत की है भैया, तब जाके इतना बना है। भैया देखो, वैसे तो आग लगाने में तो सभी हम माहिर है। तो आग लगाने में चाहे या कितना माहिर हो, पर कोयला हमेशा सही होना चाहिए, वरना